वेलकम टू क्रिकिंजिफ। इस एपिसोड में हम प्रीव्यू करेंगे कराची किंग्स और पेशावर जलमी का, जिनके दरमियान PSL 2020 का सेकंड मैच होगा। पेशावर जलमी की अगर हम प्रीवियस स्टैंडिंग्स देखें तो पिछले तीनों फाइनल्स पेशावर ने खेले हैं और इनकी ओवरऑल विन परसेंटेज जो है 58.69, ये किसी भी टीम की सेकंड हाईएस्ट है इन PSL आफ्टर क्वेटा। पेशावर ने लास्ट ईयर फाइनल हारा था क्वेटा से, 2018 में इस्लामाबाद से हारे थे, लेकिन 2017 में लाहौर में क्वेटा को हरा के चैंपियन बने थे। 2016 जो कि पहला PSL था उसमें पेशावर की थर्ड पोजीशन थी। पेशावर जलमी की अगर हम पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो कामरान अकमल जो कि PSL की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन गेटर हैं वो हमें ओपन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, टॉम बेंटन के साथ जो कि अपना पहला PSL खेल रहे हैं। उसके बाद इनके पास उमर अमीन, शुएब मलिक, डेरिन सेमी जैसे प्लेयर्स मौजूद हैं। इसके अलावा लियम डॉसन है, ऑलराउंडर हैं, स्पिनर हैं, और फास्ट बॉलिंग में PSL के लीडिंग विकेट टेकर हसन अली और वहाब रियाज, ये PSL के दो लीडिंग विकेट टेकर्स हैं। इमर्जिंग प्लेयर्स में इनके पास आमिर खान, हमें प्लेइंग 11 में ऐसा लग रहा है कि वो इस प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। ओवरऑल बहुत बैलेंस टीम है पेशावर की, और इनकी अगर हम स्ट्रेंथ्स को देखें तो इनकी स्ट्रेंथ यकीनन इनका टॉप ऑर्डर है। कामरान अकमल PSL की हिस्ट्री के अकेले ऐसे बैट्समैन हैं जिनकी दो सेंचुरीज हैं। टॉम बेंटन ने रिसेंटली T20 क्रिकेट में बहुत ज़्यादा रन्स किए हैं, समरसेट के बैट्समैन हैं। और एक और जो पेशावर की स्ट्रेंथ है वो इनके कैप्टन है डेरिन सेमी, क्योंकि पिछले तीन साल भी उन्होंने पेशावर को लीड किया है और तीन फाइनल्स खेले हैं पेशावर ने, दो बार डेरिन सेमी T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। वीकनेस में अगर हम थोड़ा देखें तो ऐसा लग रहा है कि पेशावर स्ट्रगल कर सकता है अपनी पावर हिटिंग से इन द फर्स्ट फेज ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि कायरन पोलार्ड टीम को ज्वाइन करेंगे आफ्टर March 7। पहले फेज में पेशावर के पास कार्लोस ब्रैथवेट जैसे एक प्लेयर मौजूद होंगे, लेकिन अगर ब्रैथवेट टीम में आते हैं तो शायद पेशावर को लियम डॉसन को बाहर बिठाना पड़े, लेकिन डॉसन की जो रिसेंट परफॉर्मेंसेज है एज एन ऑलराउंडर वो पेशावर के लिए बहुत अच्छी हैं, तो शायद पेशावर यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है। पेशावर का फर्स्ट मैच है कराची किंग्स के साथ, और अगर हम कराची किंग्स का प्रीव्यू करें तो उनकी प्रीवियस स्टैंडिंग्स में हमें वो दो बार नंबर 3 के ऊपर नजर आते हैं, दो बार नंबर 4 के ऊपर। कराची किंग्स ने कभी फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन हमेशा कराची एक वेल बैलेंस्ड टीम के साथ टूर्नामेंट में आया है। कराची किंग्स की अगर हम पॉसिबल प्लेइंग 11 को देखें तो हमें दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम ओपन करते हुए दिखाई दे रहे हैं एलेक्स हेल्स के साथ, और उसके बाद इनके पास कैमरन डेलपोर्ट, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, चैडविक वॉल्टन, मोहम्मद रिजवान, इस तरह के बैट्समैन हैं जो कि मिडिल ऑर्डर में हमें बैटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। अगर इनकी हम बॉलिंग की बात करें तो क्रिस जॉर्डन इनके पास है, मोहम्मद आमिर इनके पास है, उमर खान लेफ्ट आर्म स्पिनर एक इमर्जिंग प्लेयर हैं, वो भी इस टीम का हिस्सा हो सकते हैं। कराची की स्ट्रेंथ यकीनन इनका टॉप ऑर्डर है, बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है T20 क्रिकेट में और पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन है अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स। इनको ज्वाइन करेंगे एलेक्स हेल्स जो कि अभी बिग बैश लीग में सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे। कराची की कोई बहुत बड़ी वीकनेस नहीं है, लेकिन क्योंकि इनके पास बहुत सारा टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, शर्जील खान भी इस टीम में है, उवैस ज़िया भी इस टीम में है, उसके अलावा कैमरन डेलपोर्ट भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, चैडविक वॉल्टन भी इस टीम में है, तो बहुत ज़्यादा जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, हो सकता है कि कराची को इनमें से कुछ प्लेयर्स को मिडिल ऑर्डर में यूज़ करना पड़े जो कि एक इशू हो सकता है। लेकिन हमेशा की तरह ऑन पेपर्स कराची की एक बहुत बैलेंस टीम है, टॉप ऑर्डर एक्सीलेंट है, ओपनिंग बॉलर्स एक्सीलेंट है, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पॉइंट्स टेबल में कराची टॉप 2 में फिनिश कर सकता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम प्रीव्यू करेंगे मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स का, जिनके दरमियान PSL 2020 का तीसरा मैच होगा।